नमस्कार दोस्तों, फिर से बेरोजगार युवाओं के लिए एक और अपडेट है। भारत की महारत्न कंपनी है और अच्छी खासी नौकरी मिलने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि अब आने वाली है काफी अच्छी वैकेंसी। जैसे आप लोग ये होम स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे पीछे वाली स्क्रीन पे, तो कोल इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। कंपनी का तो आप अच्छे से पता ही होगा और इस बार हजारों में वैकेंसीज आने वाली है। और ये वैकेंसी कब से आएगी और इसका ऑफिशियली साइट की मैं बात करूं तो ये इसकी ऑफिस साइट रहेगी, जिससे अपन इसकी पूरी डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। थंबनेल में काफी हद तक आप लोगों ने चीजें देखी होगी, काफी हद तक चीजें क्लियर भी की होगी। अब अपन क्लियर करते हैं इसके ऑफिशियली विज्ञापन और ऑफिशियली नोटिफिकेशन और इसमें नौकरी करने के लिए क्या क्या चीजें होने वाली है। मैं एक एक चीज समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, यहां पर इस तरीके से समझाने में दिक्कत है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा रिक्रूटमेंट कौन सी कंपनी कहां से निकली हुई है, क्या नहीं है। दूसरा पॉइंट होगा कितनी पोस्टों पे निकली है, और फिर उसके बाद में क्वालिफिकेशन, फिर उसके बाद में आयु सीमा, उसके बाद में एप्लीकेशन फीस, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस और उसके बाद में फाइनली डेट होगी। तो ये 6-7 चीजें, 6-7 पॉइंट आप लोगों के सामने रखूंगा और शायद इसी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर इसके अलावा फिर भी कोई पॉइंट रह गया होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा। तो देखिए, ये इसकी ऑफिशियली साइट है, यहां से मैंने साइट्स पे क्लिक किया। आप लोगों को देखेगा, आप कोल इंडिया लिमिटेड पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं तो आप लोगों को इस तरीके से इसका मिलेगा, जैसे कि करियर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैं बताऊं फिर से आप लोगों को, यहां पे देखिए जॉब एट द कोल इंडिया लिमिटेड में, दूसरा है करियर विद CIL के अंदर, करियर इन CIL के अंदर। तो आप लोग किस तरीके से कोई सा भी देख सकते हैं, कोई से भी लिंक पे ओपन करें और आप लोगों को यहां पे जॉब के बारे में मिल जाएगा। अगर ऑफिशियली साइट पे मेन साइट पे जाना चाहते हैं तो कोल इंडिया लिमिटेड पे क्लिक करके जा सकते हैं। हमें बात कर रहा हूं कोल जॉब के बारे में, अपन हाल ही में जो भी जॉब्स निकली हुई है उसके बारे में। तो यहां से देखेंगे 22/4/2024 को इसका एक छोटा सा अपडेट जारी हुआ है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसकी थोड़ी डिटेल्स के बारे में बात कर रहा हूं। देखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024, जिसमें विज्ञापन CIL HR की रिक्रूटमेंट 2024 के तहत निकाली गई है, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट है। जैसे कि आप लोग इनवाइट और एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट रिक्रूटमेंट 1,670 पदों पे होगी, यानी कि 1600 के आसपास वैकेंसीज होगी इसमें। अगर आप लोगों को विज्ञापन की और डिटेल्स बात करें तो यहां पे कोल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट गिवन ब्लू के साथ दिया गया है। अब यहां पे पोस्ट की बात करें या फिर अपन वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले मैं वैकेंसी डिटेल्स की बात करता हूं। देखिए, पोस्ट मैंने बात कर ली, 1,670 वैकेंसीज है टोटल। अभी 1,070 वैकेंसीज में क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होगी ये थोड़ा आगे बात करेंगे। लेकिन देखिएगा, यहां पे जो इलेक्ट्रिकल फीडर, वेल्डर, ट्यूनर, मशीनर और सुपरवाइजर, ऐसी पोस्टें आप लोगों को अदर पोस्टें दे रखी है। तो इस तरीके की आप लोगों की पोस्ट डिटेल्स रहने वाली है, जिसमें ये 1,670 वैकेंसीज बांटी गई है। अब ये अलग अलग ट्रेड के अनुसार अलग अलग क्वालिफिकेशन और अलग अलग पोस्ट दे रखी है। अब इसमें जर्नल भी होगी, SC भी होगी, ST भी होगी और फीमेल कैटेगरी भी होगी। और ये भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत की महारत्न कंपनी है तो भारत के सभी लोगों को इनवाइट किया गया है। अब मैं बात करता हूं दूसरे पॉइंट क्वालिफिकेशन के ऊपर। अब देखिएगा, एजुकेशन या क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनी स्टैंडर्ड के लिए बात की जाए तो 10वीं पास होना जरूरी है, और इलेक्ट्रिकल 10वीं के साथ ITI होना जरूरी है, फीडर 10वीं के साथ ITI, वेल्डर के लिए 10वीं के साथ ITI और ट्यूनर के लिए 10वीं के साथ ITI, यानी सभी पोस्टों के लिए ज्यादातर 10वीं और ITI की ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो आप लोगों के पास 10th, 12th और ITI होना जरूरी है इन 1,600 पदों के लिए लगना है। अब देखो, पोस्ट क्लियर कर ली, क्वालिफिकेशन क्लियर कर ली। अब इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल से 28 साल के बीच में होना चाहिए, जिसमें SC और ST कैटेगरीज को 5 साल की रिजर्वेशन की सुविधा मिलेगी, और जबकि OBC NCL कैटेगरी को 3 साल की, PWD कैटेगरी को 10 ईयर और एक्स सर्विसमैन को, जो भी गवर्नमेंट के रिजल्ट या रूल्स के अनुसार आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो भी आप लोगों को मिलेगा। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। अब मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो देखिएगा, एप्लीकेशन OBC और जर्नल को ₹500 देना होगा, जबकि SC और ST कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री होगा, उन्हें किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना होगा। देखिए, ये इसका ऑफिशियली है, और इसका पेमेंट किस तरीके से करना है ये बता दे, अपन डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, ये ऑनलाइन ही जमा होगा ऑफिशियली साइट के साथ। अब डेट की बात करें तो यहां पे देखिए, ये इस तरीके की डेट दे रखी है, इसके बारे में थोड़ा क्लियर करेंगे, हो सकता है कि गलत
गलत हो सकता है ये सही भी हो, तो इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। लेकिन लेके चलता हूँ हाउ टू अप्लाई के लिए। इसके ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, यहाँ से अप्लाई करना होगा और इसके जो सबमिट करना है लॉगिन रजिस्ट्रेशन, नए लोग हैं तो रजिस्ट्रेशन करना होगा और पहले कभी आपने फॉर्म भरा है तो रजिस्ट्रेशन करके सबमिट करवाना होगा। सिलेक्शन प्रोसेसर की बात करें तो गाइज रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल वगैरह, इस तरीके से आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। ऑफिशियल साइट पे जाके ही आवेदन करना होगा, यहीं से फॉर्म भरना होगा। तो देखिएगा ये थी फॉर्म की डिटेल्स, इस तरीके का फॉर्म आप लोगों को होगा। ये देखिएगा अभी मैं ऑफिशियल साइट पे बात करूं तो इसकी वैकेंसीज के बारे में, तो यहां पे देखिए ये विज्ञापन है B349 के अनुसार, ये इसका ऑफिशियली विज्ञापन है, ये करीबन दे रखा था 22/4/2005 को। इसमें एक वैकेंसीज है और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोगों को इन्वाइट किया गया है और 60,000 तक सैलरी होगी और इसमें अभी जाके आप लोग सबमिट करवा सकते हैं। फॉर्म बिल्कुल ऑफलाइन भरना होगा, अभी के लिए यही फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइज अभी के लिए हाल ही में यही वैकेंसी निकली हुई है और जो ये वैकेंसी, ये डिटेल्स बताई है, एक काल्पनिक है और मैं कहूंगा कि ऐसी वैकेंसी आने वाली होगी जून जुलाई में, अगर आती है तो बड़ी अच्छी बात है, अपन जम के तैयारी करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि ये छोटी सी अपडेट दी आप लोगों को, अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं या करना शुरू कर रहे हैं, अगर आप लोगों को इसकी अपडेट है, आ चुकी है, कहीं भी विज्ञापन है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने जो बात की है ऑफिशियल साइट से की, ऐसा कोई विज्ञापन नहीं है अभी हाल ही के लिए, लेकिन इसकी वैकेंसी बड़ी जल्दी आएगी, अगर आएगी तो हजारों में वैकेंसी आने वाली है। तो गाइज एक छोटी सी अपडेट है, गाइज जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर इसकी वैकेंसी आएगी सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करूंगा, छोटी हो बड़ी हो कोई से भी वैकेंसी हो सबकी अपडेट आप लोगों को देता रहता हूं। तो आज का इतना ही, नई वैकेंसी के साथ फिर एक और वीडियो की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।